वैष्णो माता देवी के दर्शन करने के लिए राकेश सिंह ने पैदल यात्रा की शुरू। मुंडापांडे थाना क्षेत्र के गांव दलपतपुर के रहने वाले राकेश सिंह ने वैष्णो माता देवी के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी है। राकेश सिंह ने बताया कि मैं पैदल यात्रा करने के लिए 2019 से प्रयास कर रहा था, मगर 2019 में कोरोना काल के चलते मैं वैष्णो माता देवी के दर्शन करने नहीं जा सका। आज मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल यात्रा करके 750 किलोमीटर पैदल चलकर दर्शन करूंगा। मुंडा पांडे के दलपतपुर में सभी वर्गों के लोगों ने राकेश कुमार को पैदल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। नाम आपका? राकेश नगर। कहाँ के रहने वाले? दलपतपुर। कहाँ पर जा रहे हो आप? मैं वैष्णो देवी मंदिर। कैसे? पैदल यात्रा। पैदल यात्रा करोगे? यात्रा करोगे? यहाँ से कम से कम 750 किलोमीटर का। कितने दिन में पहुँच जाओगे यहाँ से? वैसे यहाँ से मेरा सफर है कम से कम 28 किलोमीटर। मेरे दिन में मनोकामना कुछ नहीं है, बस माता के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। कोई अभिलाषा नहीं है किसी चीज की भी, कोई मेरी मांग नहीं है कि साहब मुझे धन या दौलत। सिर्फ मेरे मन में एक उचंग से उठी तो मैं कई साल से प्रयास कर रहा था मैं, और कई साल से प्रयास करने के बाद पर साल कोरोना काल के चक्कर में भी मेरा जाना रह गया। इसलिए माता ने अपने दरबार में अब तो मुझे बुलाया, अब तो मैं जा रहा हूँ। क्या अपील करना चाहूँगी अपने गाँव से? मैं अपने गाँव के लिए ऊपर वाले से माता रानी से दुआ मांगूंगा, मेरे गाँव के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे जो आसपास के जितने भी गांव हैं, यानी मेरे क्षेत्र के लिए सब सुख शांति रहनी चाहिए। माता रानी से यही कहूँगा कि मैं अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगने जा रहा, मैं आप सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए मांगने जा रहा हूँ, मेरे किसी चीज़ की। ठीक है। मेरा नाम सुनील कुमार, मैं दलपतपुर रहने वाला हूँ। अच्छा, राकेश भाई है, इन्होंने पद यात्रा का प्रण लिया। इनके मन में एक भाव आया कि मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन पद यात्रा से करूँ, तो 750 किलोमीटर की दूरी है। पर डे इन्होंने 25 किलोमीटर का एक रूट चार्ट तैयार किया है। हर 25 किलोमीटर पर इनका रुकने की व्यवस्था होगी और लगभग 28 दिन का इनका सब ये प्रोग्राम रहेगा और माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे पद यात्रा से। गांव है, शांतिपूर्ण है, सब जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एकता है। और इनके मन में एक भाव आया कि मुझे पद यात्रा करके माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं, तो ये जो है आज जाने की तैयारी में। सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हमारे बैठे हैं और साथ। अच्छा, क्या इस पहली बार ऐसा हुआ? किस गांव से जा रहे हैं? हरिद्वार वगैरह ब्रजघाट को लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन माँ वैष्णो के लिए 750 किलोमीटर का जो सफर है पद यात्रा से, वो श्री राकेश जी तय करेंगे हमारे। किस गांव के रहने वाले हैं? ये दलपतपुर गांव के रहने वाले।